सर वफ के बारे में मैं कहूंगा, सर वफ बोर्ड को तबाह किया गया। मैं मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि सर माइनॉरिटी पोर्टफोलियो आपके पास है, एक मीटिंग बुलाइए साहब वक्फ बोर्ड की, क्या हाल है वक्फ बोर्ड का। मैं बार बार कह रहा हूं वक्फ बोर्ड पूरे जमीनात जा रहे हैं, केसेस हार रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है साहब वक्फ बोर्ड। मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कीजिए। सर ऑन माई डिमांड द TRS गवर्नमेंट हैड अग्रीड फॉर अ CBCID इंक्वायरी ऑन इरेगुलरिटीज दैट हैड हैपेंड इन वक्फ बोर्ड। सर मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, मुतालिबा करूंगा कि CBCID की इंक्वायरी को जल्द अज जल्द वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मुकम्मिल करके आप उसको टेबल करिए सर, ताकि हम देखें वो लोग जो अखाफी जायदादों को तबाह करें, वो लोग जो अखाफी जायदादों को लूटे हैं, वो लुटेरे जेल में जाए, उनके हाथों में हथकड़ियां होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है, किसी की जागीर नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है। वो बेवाओं के लिए वक्फ की गई, वो यतीमों के लिए वक्फ की गई, वो तालीम के लिए वक्फ की गई, वो बीमारों के लिए वक्फ की गई, लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जो अपने लिए अखाफी जमीनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर करेगी और अखाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करेगी। पूरे रियासत में मेदक हो, आदिलाबाद हो, चाहे निजामबाद हो, अखाफी जायदादें तबाह हो रही है। मैं हुकूमत से पुरजोर